हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग? तो हो गई हूँ मैं तैयार वापस जाने के लिए। टाइम हो रहा है 8:30-9:30, तो अब चले वापसी। तो यहाँ से जाएंगे शिमला तक बस में, उसके बाद वो मिलेंगे, शिमला मिलेंगे। तो चीकू निकल गया है बैग ले जाने का, वेट कर रहे कि कोई आएगा और हमारे बैग उठा के ले जाएगा। तो देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। तो मिलते हैं आपसे बाईपास पे। ये भैया मेरे बैग लेके आ रहे हैं और चढ़ाई मुझे थोड़ी सी रह गई। मम्मी को भी लेट करवा दिया। ओ आगे चीकू खड़ा है। बाय बाय। नानी गई, चीकू गई नानी। ऑटो मिला ही नहीं, यहाँ से पाएंगे पास। गई नानी, बाय। पहुंच गए हम ISBT और ये मेरा सामान और ये मैं और चीकू। चीकू सो गया था, बस अभी उठा ही है उतर के। तभी दिख रहे पापा, अरे पापा, वो है पापा। ओ आए पापा, चीकू के पापा आ गए। पहुंच गए हम। चिकू की शरारतें शुरू होगी। चिकू ई गई ई गई। स्माइल देखो, इसकी स्माइल। बाय, ठीक है जाओ। बाय। बड़ा ड्राइवर बनता है ये ड्राइवर अपने आप को। बाय। अभी ना हमें यही शिमला में काम है कुछ, तो हम बस में जा रहे हैं थोड़ा सा दूर, मतलब 12 किलोमीटर है। तो वापसी आएंगे तो हम थोड़ा सा शिमला घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे घर वापस। क्या कर रहे हैं? तो चले हम। हम पहुंच गए अपने स्टेशन पे। इनके पास जाना है ना, वो उनका नंबर नहीं लग रहा, कॉल कर रहे हैं उनको, किसी नंबर लग रहा है जाएंगे। धूप सेक रहे हैं ना, मतलब ठंडा मौसम है थोड़ा, तो धूप अच्छी लग रही है। इधर बाहर वो खड़े धूप सेक रहे, वो खड़े बाप बेटा धूप। अपना काम फ्री करके, मतलब अपने काम से फ्री हो गए और अब कर रहे हैं हम बस का वेट। ये धूप लग रही है और चीकू तंग कर रहा है बहुत ज्यादा। पता नहीं बस कब आएगी। पहुंच गए हम शिमला, अब हम आए हैं लंच करने और चीकू सो गया।
मुझे अच्छी तरह नींद भी आने लगी थी। जल्दी उठे हैं तो हम लंच करते हैं और आपको भी दिखाते हैं हमने क्या मंगवाया है लंच में। हम आ गए वापस गाड़ी में। हमने ऑर्डर किया था कड़ी चावल और राजमा चावल, और राजमा चावल इतने बेकार आए। हमने कड़ी चावल वैसे ही मना कर दिया कि हमको नहीं खाना, मतलब ऐसा लगा जैसे गर्म पानी में डाल के दे दिया बस राजमा। तो अब आगे कहीं और देखते हैं कुछ खाते हैं। भूख बहुत लग रही है, सुबह से भूखे हैं। मेरे चीकू भी भूखू है, अभी सोकर उठा, ये सो गया था ना, अभी उठ गया जैसे निकले वहां से। तो आगे का सफर दिखाते हैं अब आपको हमीरपुर का। वापिस जा रहे हैं हमीरपुर, तो वहां का सफर दिखाते हैं। अब चले हम जाखू टेंपल, तो आपको भी दिखाते हैं हम जाखू मंदिर। उसने खाई वो ब्राउनी और मुझे देखो उसको भूख लगी है। इसको भी चीजी खिलाते हैं, इसको भी खाना खिलाते हैं कुछ। ये देखो शिमला का ठंडा रास्ता। हम पहुंच गए फाइनली रास्ते पे, मेन रास्ते पे। हम जाखू वाले रास्ते पे पहुंच गए हम जाखू टेम्पल। ठीक है, ये देखो जो हम देखने आए, जय हनुमान। चीकू कैसे देख रहा है, इतने बड़े पूरी गर्दन ऊपर करके देख रहा है। वो देखो सबसे ज्यादा डेंजर चीज यहाँ के, हर जगह पर। वो पानी पड़ा था पीछे। आ गए हम वापस जय जय करके, फटाफट की और आ गए। अब चले हम नीचे बाबा बालकनाथ का मंदिर है, वहां जा रहे पहले। फिर से देखो हनुमान जी, अब हम इसके और नजदीक आ गए। जय करो 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 जय करो। पूरे शिमला को देखते हुए हनुमान जी यहाँ खड़े खड़े पूरे शिमला के सैर करते। फोटो खींच लेना पाइकल से। यहाँ नीचे ने इतना सुंदर पार्क है, देखो झूले बच्चों को झूलने के लिए, पर सबसे बच्चे तो ये है, यही नहीं छोड़ते, यही झूलते रहते हैं यहाँ पे। इनके डर से कोई भी नहीं जाता पार्क में।
यहाँ आए हम बाबा जी के मंदिर, बाबा बालकनाथ का मंदिर है यहाँ। जय जय बाबा जी। तो गया यहाँ पे टेक लिया हमने मत्था और अब हम चले वापसी अपने घर की ओर। चलो चलो हम पहुंचे अभी कामधेनु। यहाँ कॉफी पीने के लिए रुके हम। यहाँ ये देखो कॉफी पियेंगे और फिर देखते हैं उसके साथ क्या लेते हैं, क्योंकि खाया नहीं है कुछ नहीं सुबह से, तो जाके देखते हैं। यहाँ दे रहा है मेरा चिकू ऑर्डर। क्या खाएंगे मम्मा? चिकू यहाँ पे नूडल्स नहीं है, हमने नूडल्स ऑर्डर कर रहे थे पर नूडल्स नहीं है। फिर हमारा आ रहा है कॉफी बर्गर। साढ़े नौ बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। चिकू के फ्रेंच फ्राइज इसके फेवरेट है। ठंडे है, दे दो खुद लूंगा मैं। देखो मना कर रहा चिकू स्पून, वो चाहिए उसको, ले लिया उसने, ले लिया, मारेगा ना अपने को। टेस्टी टेस्टी सैंडविच। अब चले हम वापस खा के, गाड़ी हो रही है टर्न। पहुंच गए हम घर। अच्छी शरारतें शुरू हो गई घर पहुंचते, सारा दिन गोदी में था ना तो परेशान हो गया था। मैं आई हूँ दूध लेने के लिए, और सो जाएंगे, दूध के साथ पानी भी पिएंगे। गोदी ले। नहीं 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 नहीं, तो व्लॉग कर नहीं करते आज, लेकिन नए व्लॉग के साथ जिनके साथ डब्बे गए। बाय बाय।